कोटा के जवाहर नगर थाना क्षेत्र में 4 साल पूर्व लाखों रुपए की धोखाधड़ी करके भागने वाले आरोपी को जवाहर नगर थाना पुलिस ने फरीदाबाद से गिरफ्तार किया है। जवाहर नगर थाना अधिकारी परमेंद्र रावत ने बताया कि मिथुन कौशिक नाम के व्यक्ति ने कोटा की एजुवेव कोचिंग को 50 करोड़ रुपए का लोन दिलाने के नाम पर 20 लाख रुपए राज एसोसिएट नाम के बैंक अकाउंट में डलवा दिए। उसके बाद आरोपी कोचिंग संचालकों को लगातार लोन दिलाने का बहाना बनाता रहा, फिर एक दिन अचानक कोटा से फरार हो गया। इस मामले में कोचिंग संचालकों ने आरोपी के विरुद्ध में जवाहर नगर थाने में मामला दर्ज कराया था। जवाहर नगर थाना पुलिस तब से ही आरोपी की तलाश में थी। सूचना मिलने पर पुलिस ने टीम गठित कर उसके मूल निवास फरीदाबाद हरियाणा स्थित घर पर दबिश देकर गिरफ्तार किया है। हुआ था ये एडवे प्राइवेट कंपनी की तरफ से, इसमें एक मिथुन कौशिक है, इसने एडवे वालों को कोई फाइनेंस कराने के लिए, फरीदाबाद का रहने वाला, कि मैं फाइनेंस करा दूंगा, इस संबंध में उन्होंने उससे करीब 20 लाख रुपए लिए कि मैं आपको करीब 50 करोड़ रुपए का फाइनेंस करा दूंगा। तो उनको झांसा देता रहा, तो इस झांसे मारने के चक्कर में उनकी सारी जो कंपनी थी एडवे वो घाटे में चलती गई और लास्ट में वो ये पैसे लेके फरार हो गया। करीब 2015-16 से फरार था, इसके पीछे हमने आदमी लगा रखे थे, तो हमें पता पड़ा कि ये फरीदाबाद में है, तो हम इसको फरीदाबाद से गिरफ्तार करके यहाँ लेके आए। अभी हमारे यहाँ पीसी पे है, इसको हम कल पेश करेंगे। करीब यहाँ 20 लाख तो उससे केवल फाइनेंस कराने के लिए लिए थे कि मैं फाइनेंस कराऊंगा, तो सामने वाले ने कहा फाइनेंस करा दो, क्योंकि इतनी बड़ी प्राइवेट कंपनी रन करने के लिए उनको उस पैसे की आवश्यकता थी, और फाइनेंस नहीं हुआ तो कंपनी लास्ट में बंद ही हो गई।